हेलो दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ बीपीएससी वाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो सामने दिख रही है कि हाँ, एसएससी का 1876 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है और यह जो पोस्ट है इंस्पेक्टर एएसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन आया है 2023 का और यह 15 अगस्त तक में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, एसआई एएसआई एसआई का पोस्ट है, साथ ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जाम जो होगा इसका, वह एग्जाम रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। किसी भी एग्जाम्स में एक रिटेन एग्जाम होता है, रिटेन एग्जाम के साथ साथ इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो रिटेन एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट तथा मेडिकल एग्जाम। यानी अगर आप लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं तो फिजिकल एग्जाम हो, फिजिकल टेस्ट हो या फिर मेडिकल टेस्ट हो, उससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन पहला हर्डल जो है वह क्या है, रिटेन एग्जाम है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पहला पास कर गए तो फिर फिजिकल और मेडिकल की तो ऐसी की तैसी मैं कर दूंगा। क्या कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होगी आप लोगों के मन में? बिल्कुल सही फीलिंग है, पहला हर्डल आपका लिखित एग्जाम है, इसको पास करना है। अब देखिए कि इसको भर कौन सकते हैं, 15 अगस्त तक का टाइम है और आप क्या करेंगे, एसएससी निक इन पर जाकर के ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म भरना है। तो भर कौन कौन सकते हैं, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? तो जिनकी आयु 20 से 25 साल के बीच है वो लोग इसको भर सकते हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार विशेष प्रकार की जो छूट मिलती है वह ऑब्वियसली यहां भी मिलेगा। और साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए भाई, केवल 10th नहीं, 12th नहीं चलेगा, पीजी उसकी आवश्यकता नहीं है, केवल सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी संकाय में, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी संकाय से बीसी हो, बीबीए हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएट हैं अगर आप, तो आप क्या बन सकते हैं, दिल्ली पुलिस में एसआई एएसआई एसआई बन सकते हैं, साथ ही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में भी आपको मौका मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाई, पैसा क्या मिलेगा, पैसा क्या सैलरी होगी? तो सैलरी में देखिए मजे की बात है कि पे मैट्रिक्स में लेवल 6 की आपकी वेतन होगी, ये अनुरूप वेतन दिया जाएगा जो कि काफी अच्छा होता है लेवल 6 का। आप देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा भी कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें लेवल 6 से नीचे 5 का भी एग्जाम हुआ रहती है, ठीक है, जैसे ऑडिट ऑफिसर, पंचायती राज ऑडिट ऑफिसर, तो समझिए कि कितना अच्छा पोस्ट है, लेवल 6 का आपको सैलरी मिलने जा रहा है। तो आप लोग डिले नहीं करेंगे, इस फॉर्म को भर लेंगे जो लोग एलिजिबल हैं। साथ ही रिपब्लिक के प्लेटफॉर्म पर केवल कहने की बातें नहीं है, केवल आइडियलिस्टिक बातें नहीं है, आपको हर एक स्तर पर सपोर्ट भी यहां पर मिलता है। तो इसके लिए रिपब्लिक के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को ऑनलाइन सारी फैसिलिटी इसके लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसके सिलेबस को पूरा करवाया जाएगा, साथ ही स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, और साथ ही जिन लोगों ने रिपब्लिक ऑफ बीपीएससी वाले प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो एक बनता है, अल्टीमेटली सारी कोशिश तो इसी बात की है कि आप सब्सक्राइब करें, व्यू बढ़ावें और इसका फायदा उठावें, साथ ही लोगों के बीच में शेयर करें। तो दैट्स ऑल, वंस अगेन बाय, टेक केयर।